कुछ बेचेंगे. बट लेट मी पुट यू इन अगेन इन अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन. इफ यू हैड वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन पाकिस्तान हु इज स्किल ड्रिवन इन प्रोवाइडिंग स्किल्स, how would you pivot that in the right direction, like the skills that are the future skills, right? And you had such a big audience, right? Mm-hmm. how would you pivot that, like kya aisi skills hain? Collaboration, maine badi simple si baat hai, you always ask your guests 2050 ka Pakistan kaise hoga. How would you prepare through your big influence, if you are representing one, because this is a hypothetical situation, 2050 ka Pakistan agar aapko banana hai jis tarah aapne usko perceive kiya hua hai, to what are the skills ya what are the things that you should be talking about ya empowering people on? I think I would empower people on economy. I would empower them to understand economics. I would empower people to have soft and social and humanity skills. That includes economics, sociology, anthropology. Ye I think kuch aise courses hain jo ki har insaan har Pakistani ko lene chahiye. Basics, fundamentals, introduction to economics, introduction to sociology. हम skills के ऊपर कर रहे हैं, जब तक हमें ये basics नहीं पता तो हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है. इसको separate रखने के अलावा, again मैं पहले ये बात कर चुका हूँ, आपके लोगों को स्किल्स की डेफिनेटली ज़रूरत है. फ़र्क ये है कि मैं अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म होगा और मैं जाके करूँगा तो मैं कोलैबोरेट करूँगा. मैं कोलैबोरेट करूँगा विद द राइट सॉर्ट ऑफ पीपल जिनको डिमांड है. मार्केट में एक प्रॉब्लम है, एक वैक्यूम है. देर आर दोज हू हैव अ डिमांड फॉर वर्कर्स एंड देर आर वर्कर्स हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स. तो आप अगर आज मुझसे पूछे कौन सी स्किल्स होंगी, मैं जवाब नहीं दे सकता. मैं एक मंजन सैलरी हूँ अगर मैं आपको अभी बैठे बैठे बता दूंगा यार ये है. व्हाट यू फील लाइक अबाउट ब्लॉकचेन, एआई, रोबोटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, व्हाट यू फील? आई थिंक इंपॉर्टेंट ये समझने के लिए है कि एक पिरामिड होता है पूरा. किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर पिरामिड होता है. पिरामिड के अंदर जो पिरामिड है हमेशा वो टॉप पे छोटा होता है, नीचे बड़ा होता जाता है. ठीक है, हम अगर ये कहते हैं ना ब्लॉकचेन इज आवर सेल्वेशन नाउ, blockchain will be everything. So blockchain abhi bahut nascent stage mein, not salvation and not saying that this is the only skill in the town, but blockchain is definitely important. But blockchain will really begin to help you make money in the next 5 to 8 years. Similarly AI will be incredibly huge. AI ho gayi, AR VR ho gayi, ye jo skills hain, ye spaces hain, ye bahut badi hongi agle 5 se 8 saal ke andar. Aaj kya cheeze hain? Aaj app development badi hai, aaj full stack front end back end ye bahut badi hain. आज जो हैं वो आपकी डेटा की, डेटा इंजीनियरिंग साइड के ऊपर डेटा एनोटेशन तो बहुत ही बेसिक, तो इसमें भी पाथवेज होते हैं कि बेसिक आप एंट्री कहाँ पे कर रहे हो और किस तरह से ग्रो कर रहे हो. बट इन जगहों पर बहुत ज़्यादा है. काफ़ी दफा ये होता है कि जो हमारे पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि यार मैंने डेटा साइंटिस्ट ही बनना है. ठीक है, नोबडी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड वांट्स अ डेटा साइंटिस्ट इन पाकिस्तान. ठीक है, इसकी मैं मिसाल इस तरह देता हूँ, हम बहुत ज़्यादा कहते हैं गूगल का ऑफिस खुल जाए तो ये खुल जाए तो वो खुल जाए. यार चीज़ें इंक्रीमेंटल होती हैं. चाइना के अंदर 1990s के अंदर जब चाइना ने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूम देना शुरू किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने के बाद, तो यार वो सस्ते लोटे और सस्ते प्लास्टिक के बर्तन बना रहे थे बैठे हुए, वो आईफोन ही बना रहे थे. ट्रू, उन्होंने 20 साल बैठ के लो वैल्यू से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो 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 स्किल इकोसिस्टम सब डेवलप कर दिया, तो आज वो बैठ के आईफोन भी बना सकते हैं, वो गाड़ियां भी बना सकते हैं. सो उन्होंने जहाज बनाए भी, उन्होंने रिसेंटली अपना जहाज कमीशन किया पहला. तो सिमिलरली हमारी आईटी इंडस्ट्री बहुत नासेंट स्टेज के ऊपर है. उस नासेंट स्टेज में जो मोस्टली हाई वैल्यू आपका डेटा साइंटिस्ट वगैरह बनेगा ना, वो बाहर जाएगा. साथ साफ सी बात है, देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड कि वो बंदा रिलोकेट करेगा और वो बाहर जाएगा. अभी आपने जो आपके पास जो ग्रोथ आएगी आपको वो बीपीओ के उसके अंदर बिजनेस प्रोसेस ऑपरेशन और ऑप्टिमाइजेशन उसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ पोटेंशियली नजर आएगी. आईबैक्स वाले काम कर रहे हैं इसके ऊपर, वो हैं दूसरी कंपनी है, क्या नाम है उनका, TRG है, इस तरह की कंपनीज हैं. आपको अगेन बिल्कुल लो वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर आए, राइट, बेसिक डेटा इंजीनियरिंग में आए, यू नो डेटा की जो आप डेटा को साफ एक्सट्रैक्ट ETL कर रहे होते हैं डेटा की, डेटा मैनेजिंग, मैनेज सर्विसेज की बहुत सारे रोल्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको खुलेंगी. स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, बेसिक जो SQL क्वेरी टाइप की चीज़ें होती हैं ये डेटा वाली साइड के ऊपर, इसमें आपका बहुत ज़्यादा होगा. बेसिक पाइथन सीख लें आप, बहुत सारी बेसिक स्क्रिप्ट्स वगैरह के ऊपर चीज़ें कर सकते हैं. ऐप डेवलपमेंट वगैरह का सच्ची बात है मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट यू नो रूबी ऑन रेल्स एंड लॉट ऑफ दीस इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिसके ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हैं. अगेन रेलिवेंट राइट पीपल इसके होंगे जो कि इसके लिए राइट इन्फॉर्मेशन और कोर्सेज और चीज़ें क्रिएट कर देंगे. एज वी बिगिन टू बिल्ड टेक द फ्री डांसर टू द नेक्स्ट स्टेप टू द नेक्स्ट स्टेप, आज से 5 से 8 साल बाद आई डू सी के पाकिस्तान के अंदर AI में बड़ा अच्छा काम हो रहा होगा. आई डू सी के पाकिस्तान में ब्लॉकचेन में बड़ा अच्छा काम हो रहा होगा. अच्छा, हैविंग सेड दैट, इट डजेंट मीन कि पाकिस्तान में कोई एक फ्रेगमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हैं, बट दे आर आउटलायर्स, दे आर नॉट योर इंडस्ट्री.
यू नो कोई अब इसके बैठा कोई ब्लॉकचेन वाला बोले यार मैं तो बैठा हूँ इधर यू नो लइया में और मैं तो ये कर रहा हूँ, तो यार आप एक आउटलायर हो, यू नो यू कैन नॉट टेक योर स्टोरी एंड देन एक्सट्रापोलेट दैट टू द एंटायर पॉपुलेशन. सो जो अगर मैं मैक्रो पे और इंडस्ट्री के उस पर देखूँ तो आई थिंक ये है आई टी की स्किल्स में ये होंगी. आई टी के अलावा मुझे पर्सनली लगता है कि हमें वोकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए है, और वोकेशन में पर्टिकुलरली फैक्ट्री वर्कर्स, वी नीड एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, डिसिप्लिन्ड फैक्ट्री वर्कर्स जो कि हर किस्म की इंडस्ट्री में काम कर सकें. आई थिंक के एक इंडस्ट्री का शिफ्ट आ रहा है एज विद चाइनाज एजिंग पॉपुलेशन, वो इंडस्ट्रीज को मूव करेंगे टूवर्ड्स पाकिस्तान होपफुली इफ कोई मेजर फोर्स मेजोर ना हुआ. तो एटलीस्ट लोअर वैल्यू टायर टाइलें ये ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं, इस तरह की इंडस्ट्रियाँ पाकिस्तान में आएंगी जो कि अफ्रीका में एक्सपोर्ट करेंगी आने वाले वक्त के अंदर. तो उसके लिए आपको टैलेंट चाहिए जो बिल्कुल आपका लोअर मिडिल इनकम एंड लोअर इनकम स्ट्राटा के अंदर जो एग्जिस्ट करता है, जिसको आप क्विकली ट्रेन करके फैक्ट्रियों में डाल सकते हैं. उससे ऊपर आई थिंक देयर इज एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी इन जो आपकी ये सॉर्ट ऑफ टर्चरी प्लम्बिंग इलेक्ट्रिशियन, आपने ये रेनोवेट करवाई होगी स्पेस, कैसा था टैलेंट, मजा आया, खुशी हुई? बस चैलेंजेस तो हैं सर. और अगर मैं आपसे पूछूं एक बात कि अगर आपको एक तरीके का बंदा मिलता है जिसको बेसिक्स पता होती है और वो होता है और आप उसको दो गुना पैसे देते हैं, आप देते हैं ना देते? Of course. आप जरूर देते. मार्केट में डिमांड क्रिएट होना शुरू हो गई है इन लोगों की कि पीपल हु आर बेटर ट्रेन्ड देन योर प्लम्बर, जो कि यार इतना पैसा जाया होता है ना कि आप एक वॉशरूम बनाने जाते हैं और वो एक महंगी सीट 1.5 लाख रुपए की तो चीज़ें आती हैं उसकी, आप वो लेकर आते हो, वो प्लम्बर जो है ना वो इधर टक टुक मार के वो स्टेनलेस स्टील को तबाह कर देता है, वो टाइलों को तबाह कर देता है. ये जो स्किल्ड है ये क्वैक्स है ना बेसिकली, वो एक बंदे ने किया उससे अगले ने सीखा उससे अगले ने सीखा, तो जिस जो उसने किया हुआ उसको वो याद है. इसमें वोकेशन प्रोवाइड करें ना, इसमें लोगों को सिखाएं, इस पर सिखाएं कि यार इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक्स क्या होती हैं, कोई सिस्टम्स जनरेट करें कि वायरिंग किस तरह जानी चाहिए, यू नो वो क्या होती है, प्लम्बिंग के क्या फायदे क्या नुकसान आते हैं. मैं कुछ छोटी सी मिसाल देता हूँ. पिछले दिनों मेरा मैं एक गैस का पाइप बिछा रहा था, लीक हो रहा था, तो मैंने नया प्लास्टिक वाला पाइप बिछाया, तो प्लम्बर जो आया हुआ था ना वो पूरा छत के ऊपर से लेकर जा रहा था, तो एक पॉइंट पे मेरा वो इंस्टेंट गीजर लगा हुआ है, इंस्टेंट गीजर जब पानी आता चलता है तो आग ऊपर तक जाती है, ठीक है, वो पाइप ये अगर गीजर की छत है ना तो पाइप यहाँ से गुजार रहा है वो प्लास्टिक का गैस का. और वो मुझे कहता सर हाँ हाँ ओके सर, ये प्लास्टिक का पाइप सर कभी खराब नहीं होगा सर. और मैं उसको कह रहा कि यार तू कभी खराब नहीं होगा, तू गारंटी ले रहा है, ये फटा तो मेरा तो पूरा घर जाएगा. सीरियसली यू नो, सो इट्स क्रेजी हाउ ही डिडंट इवन रियलाइज a very basic thing that is such an incredibly huge health hazard. And so again and again I'm saying, as more and more educated people are not only getting into the job market, they're also getting into the consumer market, right? You are a consumer but you are more educated than the previous generation, and so you want your talent to be more educated as well, and you are ready to pay for a higher price for a better trained talent. And so हम वहाँ पे तो सोच नहीं रहे, हम ये नहीं सोच रहे, हमारा पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी का बच्चा एजुकेटेड हो गया, अगर इंजीनियर निकल रहा है जिसको प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी और ये वो आती है, यार व्हाई डोंट यू ओपन अप अ सेटअप जिसमें तुम जाके इन प्लम्बर्स को बेसिक ट्रेन करो और ट्रेन करके उनको एक कंपनी बना लो. व्हाई डू आई हैव टू कॉल माई इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम माई लोकल मार्केट का ढाबा जो कि आके आके रैंडमली ना अपनी मूड से बोलता है सर इस बल्ब को चेंज करने के आज ना 3,000 रुपये लगेगा, क्यों भाई? क्योंकि उसका मूड है आज 3,000 रुपये लेने का. वही चीज मैं कहता हूँ यार, एक प्रॉपर कंपनी हो, मैं उसको कॉल करूँ, वो दांगड़ी में आए मेरे पास, थोड़ा सा एजुकेटेड हो, आके आके फिक्स करे और कहे यार सर पर घंटा मेरा चार्ज होगा, ये मेरा टाइम लगेगा. आपने कभी डॉलर शॉलर्स की हेल्पलाइन में कॉल किए? बड़े अच्छे तरीके से बनाना शुरू हो गई कंपनी से, बना लिए, बड़ी खुशी होती है. अब मैं कभी भी अपना एसी का काम कंपनी से बाहर नहीं करवाता क्योंकि कंपनी का बंदा दांगड़ी में आता है, आके बेहतरीन तरीके से उसको फिक्स करता है, वो मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज करता है, लेकिन मैं खुशी से देता हूँ उसको क्योंकि मुझे ट्रस्ट है, ट्रस्ट के पैसा है. तो इफ आई वर डूइंग, मैं हाई वैल्यू की तरफ अभी नहीं जाऊंगा पर्सनली. मैं जाऊंगा ऐसी चीज में इसको स्केल किया जा सके. इट्स अ टफ नट टू क्रैक बट आई थिंक जो एजुकेटेड तबका है वो अगर ये बात सुन रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो किस तरीके से लोअर मिडिल इनकम को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके स्केल प्रोवाइड कर सकता है. और वो क्या ऐसा कर सकता है, सिर्फ प्लम्बर्स को इकट्ठा करके मार्केट में बेच के ऐप बना दी मैंने कि प्लम्बर को अब वो मिल जाएगा, दैट इज नो वैल्यू. The real value is when you are able to take that talent, train them, and then be able to provide a service to someone. जिसके ऊपर उसको service जब वो ले वो service तो वो वाकई कहे यार वाह क्या service है. जिस दिन वो service वो वाली लेगा ना उस दिन उसके बाद आप देखें उसकी growth किस तरीके से जाती है. But again, you are putting that burden on the private sector again for this vocational training. 110%. Yes, because government 110%. Now, government has failed.